बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों गुज़िश्ता कई दिन पहले ISPR ने एक ट्वीट जारी किया और एक प्रेस रिलीज़ भी जारी की, जिसमें उन्होंने जो नई अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उसके बारे में बताया गया। दोस्तों इन जो नई अपॉइंटमेंट्स या जो नई जो ट्रांसफ़र्स हुई हैं उनमें सबसे बड़ी ट्रांसफ़र जो थी वो ISI के हेड की थी। ISI के हेड में जनरल, जैसा कि आपको मालूम है कि जनरल फैज़ हमीद ISI के हेड थे और उनको ट्रांसफ़र करके पेशावर भेजने का नोटिफिकेशन जारी हुआ। इसी तरह फिर जनरल नदीम को नया ISI हेड मुकर्रर कर दिया गया। नए ISI के हेड जनरल नदीम का जो नोटिफिकेशन है वो ISPR ने ट्वीट और प्रेस रिलीज़ में जारी किया। दोस्तों इसकी तफसीलात बताने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं। दोस्तों इसकी तज़िया जो है मैं शुरू करता हूं और बताऊंगा कि आपको कि ये कितना सेंसिटिव इशू है और आगे आने वाले हालात में गवर्नमेंट और हमारी अफवाज पाकिस्तान के दरमियान क्या मुश्किलात आ सकती हैं, और या आया कि ये इतने आराम से ये दोनों पार्टीज़ जो हैं ये अपना मसला सॉल्व कर लेंगी। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि ये जो सवाबदीद है कि ISI के हेड या वजीर या आर्मी चीफ के हेड को वज़ीर आज़म ही मुकर्रर करते हैं, और यहाँ पर एक छोटी सी दोनों जो इदारे हैं उनमें गलतफहमी ये आई है कि ISPR की तरफ से एक प्रेस रिलीज़ जारी किया गया, जो हम ये समझते हैं कि अगर आप किसी भी छोटी भी किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको अपने सरबराह या जो जिसकी सवाबदीद होती है कि आप वो मुकर्रर करता है हेड, उसको आपने कॉन्फिडेंस में ज़रूर लेना होता है। लेकिन शायद अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे दोनों पार्टीज़ के बीच में जो है वो कोई इतना अंडरस्टैंडिंग नज़र नहीं आई, जिसकी वजह से जो है ISPR ने बग़ैर कंसल्टेशन के जो है वो जो ISI के जो हेड हैं उनको लगा दिया और जो पुराने हैं उनको ट्रांसफ़र कर दिया। दोस्तों ये एक बड़ा सेंसिटिव इशू है और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से इस पर जो है वो बताया गया कि ये जो चीज़ हुई है इसमें थोड़े सी मसले मसाइल हैं और कानून की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा नहीं किया गया। दोस्तों असूलन तो ये होना चाहिए कि कानून के मुताबिक आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बैठते और एक दोनों में एक नाम पर एग्रीमेंट हो जाता और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से ये इजाज़त दी जाती कि आप जो हैं ये अब एक जनरल का नाम ले लें या कोई भी जो हैं नए जो DG ISI आएंगे उनका जो है ना वो ट्रांसफ़र आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे शायद जैसा कि मैंने पहले बताया कि थोड़ी सी मिसकम्युनिकेशन हुई है और जिसकी बाद PM ऑफिस हरकत में आया और फिर दोबारा प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ की मीटिंग दोबारा हुई और इसको जो है कोशिश की जा रही है कि 16 सफाई से आराम से दोनों चीज़ें हल हो जाएं, जिसमें दोनों इदारों की एम्बेरसमेंट ना हो, क्योंकि ये एक इतना बड़ा इशू है कि इन दोनों मसाइल में हकूमत और जो फौज का इदारा है ये दोनों बहुत बड़े पाकिस्तान में इदारे हैं, ये दोनों चाहते हैं कि किसी की भी एम्बेरसमेंट हुए बगैर आप ये मसला सुलह सफाई से हो जाए। अब अगर दोस्तों देखते हैं कि इसमें आने वाले हालात में क्या चेंजेस हो सकती हैं, तो जैसा कि आपको पता है कि इस टाइम पे हमारी हिफाज पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने ऑलरेडी जो है वो अपॉइंटमेंट कर दी है। इवन शायद वो कानून के मुताबिक हो या ना हो, लेकिन इस टाइम पे उन्होंने वो अपॉइंटमेंट हो चुकी है। दोस्तों हुकूमत पाकिस्तान के लिए भी इस वक्त एक बड़ा चैलेंज है और ये चैलेंज जो है वो दोनों इदारों की आप ये कहें कि मिसकम्युनिकेशन की वजह से ये पैदा हुआ है और आने वाले हालात में भी इसके गहरे असरात होंगे। जैसा कि आप अगर इसको मिसाल ऐसे ले लें कि अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अब ये डिसाइड करती है कि
ये जो नाम है जो आर्मी की तरफ से दिए गए हैं और इन्हीं नाम पर इत्तफाक किया जाता है। तो एक लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि इमरान खान ने जो है वो एक अच्छा फ़ैसला किया है और तमाम जो बहरान है उसको मिटा दिया है। लेकिन यहाँ पे अपोजिशन इसका भरपूर इलेक्शन में फ़ायदा उठाएगी और जैसा कि वो कई दफ़ा कह चुके हैं कि ये इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं और इस तरह के इल्ज़ाम जो है ना वो इमरान खान पर मज़ीद लगेंगे कि आप एज अ प्राइम मिनिस्टर होते हुए भी अपने सवाबदीद इस्तेमाल नहीं कर सके। दोस्तों ये एक ऐसा इशू बन चुका है। अब इस पे आप देखें कि अगर इमरान खान एक नया नाम लेकर आते हैं तो ये भी एक थोड़ा सा हमारे इस्टेब्लिशमेंट के लिए थोड़ा सा एम्बेरसमेंट का टाइम होगा कि एक बड़ा नाम जो है वो ऑलरेडी मेंशन हो चुका है, आर्मी चीफ ने उनका नाम कंसिडर कर लिया है, तो ये हमारे इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में जो है ना वो प्रॉब्लम आ सकती है और वो हकूमत के लिए जो है वो एक अच्छा टाइम नहीं होगा। तो दोस्तों ये एक हमने देखना इसमें यही है कि इस टाइम पे इमरान खान कितना तहम्मुल से और इस पर फैसला लेते हैं और आने वाले हालात में जो है ये इसमें ऐसी मिसकम्युनिकेशन से कैसे बच सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इस तरह की मिसकम्युनिकेशन से आपकी अपोजिशन, आपकी गवर्नमेंट, आपके दूसरे इदारे जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का शिकार होते हैं और यही वजह है कि पाकिस्तान में अभी तक जो है वो जमहूरियत फली फूली नहीं है। जमहूरियत ऐसे ही फलती फूलती है दोस्तों कि जब आप इलेक्टेड लोगों को प्रॉपर जो है वो पूरा टाइम दें, उनको काम करने का वक्त दें और वो अपने काम के मुताबिक जो है अवाम में इलेक्शन में जाएं और वहाँ से वोट हासिल करें। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे अक्सर ऐसे नहीं होता, सम टाइम इस्टेब्लिशमेंट जो है वो आपकी एज अ प्राइम मिनिस्टर और बाकी सीट्स पर हावी हो जाती है और ये बाद में जो है इलेक्शन के टाइम पे या बाकी दिनों में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें असरानंदाज होती हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी मज़ीद वीडियो को देखने के लिए बेल का बटन ज़रूर दबाएँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।